एक नेता वो जो अपूर्व राय का नाम पे एक आईएस था, उसका नंबर दिया था, उसके नंबर पे कॉल करने से वेटिंग आता है लेकिन कॉल रिसीव नहीं करता है। नेक्स्ट टाइम जब कॉल करता है उस वक्त कॉल भी रिसीव नहीं करता है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। जू जू और नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि 25 मार्च 2020 को कोरोना वायरस के वजह से भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित किया गया। हाल ही में एक अफवाह फैलाया जा रहा था कि वर्तमान लॉकडाउन को फिर से बढ़ाया जाएगा, पर यह खबर सच नहीं है। एनआई को कैबिनेट सेक्रेटरी मिस्टर राजीव गुबा ने बताया कि यह खबर झूठा है और भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन को बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए रहने और खाने का व्यवस्था करने का आदेश गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया। आपको बता दें कि त्रिपुरा से कुछ लोग बेंगलोर शहर में फंसे हुए हैं और उनके पास राशन पानी खत्म हो चुके हैं और मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। आइए सुन लेते हैं उन लोगों का क्या कहना है। भाई लोग, आप लोग किधर का है? त्रिपुरा कौन सा जगह है? त्रिपुरा नूतन बाजार का। त्रिपुरा कौन सा गांव? गांव है तबीटापारा, डिस्ट्रिक्ट गुमटी और ब्लॉक का है खोरबे। आप लोग अभी किधर में है? हम लोग अभी बेंगलोर में है। बेंगलोर कौन सा जगह में? बेंगलोर करमांगला इजीपुरा मेन रोड ओयो कलेक्शन हो 12684 कॉम्पैक्ट ग्रीन व्यू। आप लोगों का ग्रुप में कितना आदमी है टोटली? 14 आदमी। अच्छा, 14 आदमी। ये क्या बेचना चाहते हैं, ये वीडियो बना के क्या बेचना चाहते हैं आप लोग त्रिपुरा लोगों को? हम लोग बेचना चाहते हैं कि हम लोग तो गांव जाने वाला था 24 तारीख को, इस लॉकडाउन की वजह से हम लोग तो घर भी नहीं जा पा रहे हैं, ट्रेन कैंसिल हो गया है और 21 दिन लॉकडाउन जो हो गया है, हम लोग के पास अभी कोई काम नहीं है और सैलरी भी ठीक से नहीं मिला है। 2 महीने का सैलरी ऑलरेडी बन पा रहा है और जो गाँव जाने वाला है 24 तारीख को ट्रेन कैंसिल हो गया है। लेकिन हम लोग एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि हम लोग के पास अभी कोई खाने का पीने का कोई सामान नहीं है, जो सामान है वो ख़त्म हो गया है। हम इसलिए सरकार को मैसेज देना चाहता हूँ कि क्योंकि जल्दी हम लोगों को थोड़ा हेल्प कीजिए, हेल्प करने के लिए। आप लोग कितना दिन हो रहा है नहीं कर रहा है खाना? खाया है लेकिन 2 दिन से अभी उसने बाहर जाने का भी कोई दुकान नहीं खुल रहा है और बाहर जाएगा तो पुलिस भी लाठीचार्ज कर रहा है, इसलिए बाहर भी नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोगों का गाँव में कोई नेता वेता कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं पटाया? प्रॉब्लम गाँव से एक नेता जो अपूर्व राय का नाम पे एक आईएस था, उसका नंबर दिया था, उसके नंबर पे कॉल करने से वेटिंग आता है लेकिन कॉल रिसीव नहीं करता है। नेक्स्ट टाइम जब कॉल करता है उस वक्त कॉल भी रिसीव नहीं करता है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। क्या ऐसा लगता है आप लोगों का ये वीडियो बेचने से त्रिपुरा और त्रिपुरा लोग आप लोगों को हेल्प करने के लिए देगा त्रिपुरा सोशल मीडिया? लेकिन ऐसा तो लगता है हेल्प करेगा कि नहीं, फिर भी बेचना पड़ता है हेल्प करने के लिए। जैसे आप सबने सुना, इनके मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। हम सभी से अनुरोध करते हैं इन लोगों तक मदद के लिए आगे आए और त्रिपुरा की राज्य सरकार से आग्रह करते हैं इन लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाए। आइए हम सब लॉकडाउन की मकसद को समझते हैं। सरकार का यह डाटा है कि जो लोग माइग्रेट हुए हैं महानगरों से गांव की ओर, उनमें से 10 में से 3 आदमी इन्फेक्ट होने की आशंका है उनकी। तो इसका कोई कंक्रीट डाटा है या सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है? सरकार है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने यही बताया। सर, ये मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन ये मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि आप ये मान के चलिए कि अगर हम वाइड स्केल माइग्रेशन अगर होगा और पर्टिकुलरली भी उन एरिया से जहाँ पर कि इन्फेक्टेड केसेस पाए गए हैं, तो चांसेज हैं कि उसमें अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और वो ट्रैवल करे और वो दूसरे प्रांतों में जाए या दूसरे शहरों में, खास करके ग्रामीण प्रांतों में जाए, तो वहाँ पर भी अगर उनमें से कोई भी इन्फेक्टेड है तो उस बीमारी के फैलने के चांसेस हैं। जो हमारी लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के जो हमारे प्रोसेसेस हैं, उसका मेजर एफर्ट है कि जो जहाँ है वो वहीं रहे। किसी भी टाइप का पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस की जरूरत है, बीमारी के बारे में अंडरस्टैंड की जरूरत है और उसको कैसे मैनेज कीजिए उसकी जरूरत है, ना कि एक जगह से दूसरे जगह से जाने की। तो इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि चांसेस हैं कि उनमें पॉजिटिव केसेस हो सकते हैं और इसीलिए हमने सबको एडवाइस किया आप जहाँ हैं वहीं रहें, और अगर साथ में कोई गए भी हैं तो हमने उनको मेडिकल एग्जामिन करके या उनको क्वारंटाइन या फेवरेट क्वारंटाइन सजेस्ट किया। लॉकडाउन का मकसद लोगों को तकलीफ देने का नहीं, बल्कि इस खतरनाक कोरोना वायरस को फैलने से रोकने का एक
महत्वपूर्ण कदम है। सबसे आग्रह है कि सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया गया उनका पालन करें और इस महामारी से निपटने का सरकार को सहयोग करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट।